हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैम विजुअल। आज हम तुम्हारे एसएसबी एग्जाम रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिबा एवं तुम्हारे टॉपिक होची थर्मोडायनामिक्स। तो जो पिला माने तुम्हारे क्विज देबा पई जदी चाहो छो ताले हमर चैनल रे जॉइन करि परिबो। तो तुम्हारे डेली क्विज चलची रात्रि। तो आज हम देखिबा तुम्हारे थर्मोडायनामिक्स रो को टाइप रो क्वेश्चन आसला एवं पूरा डिटेल रे तारो सॉल्यूशन करिबा। फास्ट क्वेश्चन को जीवा, तो तुम्हारे फास्ट क्वेश्चन आसते तुम मैक्सवेल स्क्वायर। तो क्वेश्चन कौन पचार फॉर ए सिस्टम एट कांस्टेंट कंपोजिशन द प्रेशर इज गिवन बाय। तो ये मध्य प्रेशर कौटा रिलेशन हम है। तो ये क्वेश्चन तुम एस एस बी रुथाउजेंड 2023 आसला। तो देखा कमी तुम क्वेश्चन को सल्व कर तुम मैक्सवेल स्क्वायर। तो फास्ट आम मैक्सवेल स्क्वायर को ड्र करवा है। तो आम गोटे स्क्वायर ड्र करवा। तो ये मैक्सवेल स्क्वायर जो जगह चार टर्म थाए गोटे तुम शैत्य प्रकाश वेरी टाइट या को हमें मन रखियो तुम एस पी भी टी तापर एटी हमर ए एच तापर ला तुम जी तापर ए तापर यू एच जी यू ए चार्ट टर्म को मझे रखियो। तापर दीटा एरो मार्क देव गोटे तुम एंट्रोपी रु आ गोटे तुम प्रेशर रु। तापर कौन कर तुम्हें देखो एवं कौ टर्म पचार तुम प्रेसर पर पचार। तो प्रेसर पर जब पचार सैड को तुम काटिदेव तापर सैड को काटिदेव सैड को नब ना तापर रहा बाकी दिटा सैड। तो ये दिटा सैड तार दिटा टर्म बाहर गोटे तुम पी इक्वल टू कौन कर तुम सैड डेल यू बाय डेल्टा भी एट कन्स्टाट एस हम तुम पी इक्वल टू आम गोटे पाइबा डेल्टा यू बाय डेल्टा भी है। कन्स्टाट किए हम डेल्टा यू बाय डेल्टा भी एट कन्स्टाट एंट्रोपी एटा गोटे टर्म पाइबा आउ पी इक्वल टू आउ गोटे टर्म पाइब कौटा डेल्टा ए बाय डेल्टा भी एट कन्स्टाट टेम्परेचर तापर पी इक्वल टू आम आउ गोटे टर्म पाइब डेल्टा ए बाय डेल्टा तुम भी एट कन्स्टाट टी तापर चेक कर यार सैन कौन हम। तो सैन कनभेनसन तुम प्रेसर टर्म को जीव प्रेसर देख एरो तुम टुआर्ड्स एरो आसूसी मानते एपटे जाऊँगी एपटे टुआर्ड तुम एरो आसन तुम कौन हम नेगेटिव जदि ये आसता सैन पॉजिटिव। तो यार दिटा जाए सैन तुम कौन हम नेगेटिव सैन हम। तो ये देखा कौटा अच्छे डेल्टा यू बाय डेल्टा भी एट कन्स्टाट तुम एस जोटा कि ऑप्शन नंबर बी रे अच्छी देखी पार्थ तुम पी इक्वल टू माइनस डेल्टा यू बाय डेल्टा भी एट कांस्टेंट एंट्रोपी तापर पी इक्वल टू ए टर्म भी हो पार ऑप्शन रे नहीं। तो तुम जो करेक्ट आंसर हो तुम ऑप्शन नंबर बी यहाँ तुम थर्मोडायनामिक स्क्वायर रूल। एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करवा। ए क्वेश्चन भी तुम एस एस पी एग्जाम क्वेश्चन क्वेश्चन पचार फॉर वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस गोटे टर्म दी। तो कौटा हम यहाँ भितर है। तो यहाँ पे तुम्हें आइडियल गैस इक्वेशन को जीवा। तो आइडियल गैस इक्वेशन आम जानू आम पी भी इक्वाल टू हुए तुम एन आर टी जदि वन मोल अच्छी पी भी इक्वाल टू आर टी। तो ये जगह आम तीन टा टर्म अच्छे देख गोटे तुम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी डेल्टा भी डेल्टा टी आगे डेल्टा भी डेल्टा पी एट कांस्टेंट टी। तो से टर्म गुडा इक्वेशन रो बाहर करवा तार मल्टीप्लिकेशन कर देवा। तो फास्ट जीवा हमें पी पाई। तो पी इक्वल टू आमर हो तुम आर टी बाय भी तापर ये जगह आम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम तमें यहाँ आम डिफरेंशिएट करवा डेल्टा पी विथ रेस्पेक्ट टू तुम डेल्टा टी कांस्टेंट की अच्छी तुम भी। तो कांस्टेंट भी जदि अच्छी ये जगह तुम आर आउ भी तुम कांस्टेंट टर्म बाहर को पड़े आसो आर बाय भी तापर डेल्टा टी बाय डेल्टा टी आमर वन हो। तो इक्वेशन आम वन देदेबा या फास्ट आम पाइला एटा तापर नेक्स्ट आम टर्म जी तुम डेल्टा भी बाय डेल्टा टी तापे कौन करी मुझे जगह भी इक्वाल टू के ने तो भी इक्वाल टू के मोर आर टी बाय पी भी इक्वाल टू हो आर टी बाय पी तापर या डेरिवेटिव करी विथ रेस्पेक्ट टू तुम टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डे भी बाय तुम डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर यदि पी सहित मुझे पी को कांस्टेंट नेली ताले ये जगह कांस्टेंट हो आर एवं तुम पी तापर विथ रेस्पेक्ट टू टी के डेरिवेटिव कले वन या क्वेश्चन नंबर टू देवी। तापर नेक्स्ट जी मुझे इक्वेशन थ्री जो हमें भी इक्वल टू विथ रेस्पेक्ट टू पी डेरिवेटिव करवा सही सेम इक्वेशन को ताले भी इक्वल टू मुझे जगह पाइली तुम आर टी बाय पी तापर या विथ रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करी मुझे पी तो डेल्टा भी बाय डेल्टा पी एट कांस्टेंट की अच्छी तुम टी ताले ये जगह तुम कांस्टेंट टर्म किए आर एवं टी बाहर को पड़े आसे ताले आम जब वन बाय पी को डेरिवेटिव करवा ताले यार वैल्यू बाहर माइनस वन बाय पी स्क्वायर माइनस वन बाय पी स्क्वायर हो या को इक्वेशन नंबर थ्री देवी। एवं मुझे इक्वेशन वन टू थ्री को मल्टीप्लाई कर देवी जब ताले यार वैल्यू पाई। तो इक्वेशन वन अच्छे मोर आर बाय भी तो आर बाय भी इंटू इक्वेशन टू रे मुझे पाइली आर बाय पी लिखी
तापर इक्वेशन 3 रे मु पाइले तमरो rt जोडा हला माइनस rt बाय तमरो p स्क्वायर हला। तापर ई जगह रे देखो rt जगह रे हमें लेखि परबा pv, ई जगह जो rt होची rt जगह रे हमें pv भी लेखि परबा। तो ई जो rt जगह रे मु pv लेखुची हला, rt जगह रे मु pv लेखली। तो pv जते लेखिबी हमरो के कैंसिल हेबे, तमरो गोटे p टर्म कैंसिल हे जइबो, तबे गोटे v टर्म कैंसिल हे जइबो। तले रहिला केते माइनस तमरो माइनस टर्म रहिला, तापर r into r हला तमरो r स्क्वायर डिवाइडेड तमरो हला p स्क्वायर। तो यार जो करेक्ट आंसर हबो सेटा तमरो माइनस r स्क्वायर बे तमरो p स्क्वायर, जोटा तमे देखि परतो ऑप्शन नंबर ए रे अछि। तो यार करेक्ट आंसर हबो तमरो ऑप्शन नंबर ए माइनस r स्क्वायर बे p स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तमरो कार्नोट साइकिल रु आछि एवं एरा भी तमरो एसएसबी एग्जाम रे आस्थला। तो क्वेश्चन कोन पचारिछि, द टोटल एंट्रोपी चेंज इन ए कार्नोट साइकिल। तो हम जानि छियै जो कार्नोट साइकिल रे जो एंट्रोपी चेंज होय, तो कार्नोट साइकिल भी छियै जो हमरो रिवर्सिबल साइकिल। आउ रिवर्सिबल साइकिल प्रोसेस पे तमरो एंट्रोपी रे वैल्यू आसे 0। तो केमिति 0 होय आमे देखिबा टिके। तो हम जानि छियै कार्नोट साइकिल केमिति आमे गोटे ग्राफ करू प्रेशर एवं तमरो वॉल्यूम। एरे हला मोर प्रेशर वॉल्यूम भीतर ग्राफ होय एवं कार जो कार्नोट साइकिल रो चारटा प्रोसेस रोए, एरा तमार चारटा प्रोसेस ए बोलिया रोए, चारटा प्रोसेस देखिबा। तमार सपोज एरा हला ए, एला तमार बी, सपोज सी एवं डी। तो जोडा हमर फर्स्ट स्टेप तमार एडा 1, तापर कार्नोट साइकिल एडा सेकंड स्टेप, तापर एडा थर्ड, तापर फोर्थ। तो तमार स्टेप 1 रे हुए तमार आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तापर तमार स्टेप 2 रे हुए तमार एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तापर तमरो स्टेप 3 रे होय तमरो आइसोथर्मल कंप्रेशन एवं तमरो स्टेप 4 रे होय तमरो एडियाबेटिक कंप्रेशन। एई चारटा स्टेप रे तमरो कंप्लीट होय कार्नोट साइकिल। तापर कार्नोट साइकिल कोन होय देखो, तमरो स्टेप 1 तो आमे जानिछु एंट्रोपी, तमरो जो चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस ए का सहित समान होय तमरो क्यू रिवर्सिबल बाय तमरो डीटी ला, या सहित समान होय आमे जानिछु। तापर देखो ए जगह रे तमरो आइसोथर्मल प्रोसेस स्टेप 1 पे देखिबा, तो आइसोथर्मल माने हला तमरो आइसोथर्मल माने हला तमरो ए जगह रे टी कांस्टेंट रहे। टी जदी कांस्टेंट रहला ताले तारो चेंज इन टेंपरेचर डीटी वैल्यू 0 होय। तो डीटी वैल्यू जदी 0 हो, एबे देखिबा ए इक्वेशन रे आमे जानिछु पुणे हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी रे आमे कोन जानिछु, क्यू रो दी रे वैल्यू आसे, गोटे ला क्यूबी गोटे ला तमरो क्यूएच। qv इक्वल टू आसे तमरो हीट कैपेसिटी c v इनटू dt। तो आमे जानिछु आइसोथर्मल पई यदि हमरो dt वैल्यू 0 आसीबला ताले तमरो q वैल्यू भी को आसी जीवो 0 आसी जीवो। तो q वैल्यू यदि 0 हला ताले तमरो डेल्टा s तमरो चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा s वैल्यू मध्ये तमरो 0 आसीबो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ता माने आमे यदि कहि परबा चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस रो वैल्यू एई प्रोसेस पई भी 0 हबो आ तमरो एई प्रोसेस पई भी 0 हबो। तापर प्रोसेस तमरो 2 एवं 4 रहला, तो 2 एवं 4 एरा तमरो एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस रे कोन होय तमरो हीट ता कांस्टेंट होय, यदि हीट कांस्टेंट होय ताले तारो एंट्रोपी रे भी किछ चेंजेस होने, सेतबे तमरो चेंज इन एंट्रोपी भी या पई भी तमरो चेंज इन एंट्रोपी केते आसीबो 0 आसीबो। तो यार पई भी चेंज इन एंट्रोपी 0 आसीबो। तो आमे यदि कहबा पूरा यदि रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस अछि ताले तारो चेंज इन एंट्रोपी वैल्यू 0 हबो। तो यार जो करेक्ट आंसर हबो सेटा तोरो ऑप्शन नंबर सी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारी छि तमरो वर्क डन इन वैक्यूम। तो वैक्यूम रे वर्क डन केते हबो, तो हम जानि छु वैक्यूम माने तमरो इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो इन एब्सेंस ऑफ एयर तमरो को होए एक्सटर्नल प्रेशर 0 होए। तो हम जानि छु डब्ल्यू रो फार्मूला हला हमरो गोटे अछि w इक्वल टू होय तमरो माइनस p एक्सटर्नल इनटू तमरो डेल्टा v हला। तो ए जगह रे आमे जदी जीवा वैक्यूम, वैक्यूम कंडीशन रे तमरो p एक्सटर्नल 0 हो, यदि p एक्सटर्नल 0 होची w वैल्यू भी तमरो कोन हो 0 हो। तो माने रखितबो हमर जदु जो वैक्यूम कंडीशन रे तमरो वर्क डन केते आसे तमरो 0 होए। तो यार जो करेक्ट आंसर हो सेटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारी छि तमरो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी विल बी। तो आमे जानि छु इरिवर्सिबल प्रोसेस का कह जाय, ता माने से गोटे डायरेक्शन रे तमरो जीवो हला। तो एई गोटे डायरेक्शन रे जदी गोटे रिएक्शन जाउची ताको आमे कहू छु इरिवर्सिबल रिएक्शन किमा इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आमे जानि छु यूनिवर्स रो आमर एंट्रोपी सब बेले कोन हो बॉडी बढ़ी जिवे, एंट्रोपी तमरो यूनिवर्स सब बेले बॉडी बढ़ी जाय, ता माने ए पटे गेले आमर एंट्रोपी कोन हो तमरो बॉडी बढ़ी जिवो। तो आमे जदी सपोज दीटा प्रोसेस नबा, एडा को मोर सपोज नेले रिएक्टेंट एडा को प्रोडक्ट, ता माने एपटे एंट्रोपी बडी बडी जाउची। आमे जदी चेंज इन एंट्रोपी बाहर करबी ताले आमर एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट एयर वैल्यूज आमर को आसीबो पॉजिटिव आसीबो।
एंट्रोपी कहार बेस अच्छी प्रोडक्ट बेस अच्छी एज कम्पेयर टू रिएक्टर जो तुम एंट्रोपी यूनिवर्स तो यूनिवर्स एंट्रोपी कौन हम तुम सब जो इरिवर्सिबल प्रोसेस ग्रेटर देन जीरो आसो कहीं यार वैल्यू आम पॉजिटिव आसो तो यार जो करेक्ट आंसर है तुम ऑप्शन नंबर तुम ए बैलेंस यूनिवर्स तुम ग्रेटर देन जीरो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन पचार जी तमरो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को नेकी तो एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो प्राय सब एग्जाम रे तमरो एग्जांपल आसे तमरो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो किमा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो तो मु गोटे ट्रिक्स बतेरी तमे इंटेंसिव प्रॉपर्टी को केमिति मन रखिबो तबे जोडा बाकी रही जीवो सेरा तमरो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में गोटे ट्रिक्स हला एरा मु रखु जी कहू छी मन रखिबो एरा तमरो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बाय तो सपोज गोटे इंजीनियर अछि ई तारो नाम छि तमरो मिस्टर मिस्टर बीबीटी विवेक विशाल तिवारी हला तार गोटे सांग अच्छे सपोज डियर फ्रेंड से कौन कर एसएससी एग्जाम एसएससी एग्जाम दूसरी जो एसएससी एग्जाम अटेम्प्ट कर तार बीपी तार हाई हाई प्रकार मन रखी पार ई एम आर बीबीटी डीएफ एसएससी बीपी ई है तुम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जोटा ईएमए बोली एम है तुम मेल्टिंग पॉइंट नब या मेल्टिंग पॉइंट तापरे आर है तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तापरे बी है गोटे बी को ना आम वेपर प्रेसर आ गोटे बी को ना आम विस्कोसिटी गोटे बी को ना आम विस्कोसिटी तापरे टी है तुम टेम्परेचर टी रे जीव तुम टेम्परेचर तापरे डी रे जीव तुम डेंसिटी डी रे जीव तुम डेंसिटी तापरे तुम एफ जो एफ अच्छी से फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट जीव तापरे तुम एस गोटे एस रे जीव तुम स्पेसिफिक हीट तुम्हारा स्पेसिफिक हीट जीव तापरे गोटे एस रे आसीबो तुम सरफेस टेंशन हला तापरे सी रे हला तुम कंसंट्रेशन तापरे बी रे तुम बॉइलिंग पॉइंट तापरे पी रे तुम प्रेशर हला एही प्रकार तुम या को मन रखिबो हला तो एबे देखिबा आमर जो पचारि छि इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आमर एनर्जी नो एनर्जी आमर जो भी तुम एनर्जी गुडा अछि तो ए भितरे जोडा अछि तुम हला विस्कोसिटी तो देखि परतबा आमर विस्कोसिटी एरा जो तुम इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो यार जो करेक्ट आंसर हो तुम विस्कोसिटी एला ऑप्शन नंबर बी रे अछि तुम विस्कोसिटी।